कल की युद्ध में अर्जुन को जिंदा देखना चाहोगे या मरा हुआ? युधिष्ठिर कहने लगे, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप? हम अपने भैया अर्जुन को कभी नहीं खोना चाहते हैं, कभी नहीं खोना चाहते हैं। भगवान कहने लगे, अगर आप अर्जुन को जीवित देखना चाहते हो ना, तो एक काम करो। क्या? अपनी बुआ कुंती को बुलाओ। कुंती को बुलाओ। कुंती बोली, क्या बात कन्हैया? कन्हैया कहने लगी, बुआ एक बात बता। बोले, हाँ। कल के युद्ध में अर्जुन को जिंदा देखना चाहेगी या मरा हुआ? कुंती कहने लगी, कृष्ण कैसी बात करता है लाला? मैं अपने बेटा को कभी नहीं खोना चाहता। क्या? बोले, हाँ। भगवान कहने लगी, बुआ अगर अर्जुन को कभी नहीं खोना चाहता, तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? सुन। बोले, ए बुआ मेरी भगवान बोले, बुआ युद्ध में अर्जुन को जिंदो देखनो चावे तो कड़ पाचली जा ब्रह्ममूर्ति में परशुराम के देवे पांच बाण ले आ। क्या? बोले, हाँ। कुंती बोली, ठीक है भैया, ब्रह्ममूर्ति का समय हुआ। कुंती कड़ के पास चली। कड़ ने कुंती को आते देखा, मन ही मन में विचार करने लगा, वाह पांडवों की मां आ रही है, और पांडवों की मां किसी न किसी स्वार्थ से ही आ रही होगी। लेकिन प्यारे हो, पहले क्या नियम था? अगर हमारा झगड़ा आपसे है ना, तो हमारा आपसे ही, आपके माता पिता से नहीं। माता पिता को उतना ही सम्मान देते थे जितना अपने माता पिता को। करने कुंती को आते देखा, आसन छोड़ा, प्रणाम किया, आइए माँ, कैसे आना हुआ? कुंती कहने लगी, बेटा हम तुम्हें ये समझाने आए हैं, हम तुम्हें ये समझाने आए हैं और ये कहने आए हैं कि बेटा तुम कौरवों का साथ छोड़ दो और पांडवों का साथ दे दो। कर्ण कहने लगे, मैया कैसी बात करती हो? मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, मैं दुर्योधन का नमक हराम नहीं कर सकता हूँ। कुंती कहने लगी, बेटा मैं तुझे एक गोपनीय बात और बताने आई हूँ। बोली, क्या? बोली, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ। बोले, कैसे? तो कुंती कहने लगी, लाला मैं सच कहती हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ। बोली, वो कैसे? तो कुंती बोली, सुन लाला, मैं हमारे यहाँ कुछ दिन के लिए दुर्वासा जी ठहरने आए, उस समय में कुंवारी थी, मैंने उनकी तनमन से सेवा की। जब वो हमारे यहाँ से गए, हमारी सेवा पर खुश होकर
उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और ये कहा कि बेटी इस मंत्र का जाप जिस देवता का ध्यान करके करोगी उसी देवता के समान तुम्हारी कोख से बेटा पैदा होगा। लेकिन बेटा मैंने उस मंत्र की अनिवाइज की सूर्य भगवान का ध्यान करके, जब सूर्य भगवान का ध्यान करके मैंने अनिवाइज की तो कवारे पर मैं सूर्य की कृपा से मैं गर्भ धारण कर गई। लेकिन बेटा हुआ ऐसा, जन्म दे तुझे संदूका में बंद करके बाहे दियो और सुन बोली मैं खुद तो ऐसी अभागिनी थी तू भी किस्मत काहे टाथा अगर जल में न बहाती तुझे मैं तो करण तुम्हें बेटा था। बेटा आया ऐसा समय ही था हर तरह मेरी ख्वारी थी जब जन्म दिया मैंने तुझको उस समय लला मैं ख्वारी थी। और बेटा तू ऐसी गम का प्याला था जिसे जिप्या पीने नहीं देती और बेटा कह देती तुझे मैं तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देती। क्या कहा तो करण कहने लगा मैया पैदा भयो आखी मुंदी पियो ना तेरो दूध और बाजू के पालना किया सो मिटाई है। पैदा भयो आखी मुंदी पियो ना तेरो दूध और बाजू के पालना किया सो मिटाई है। कैसे मैं धरू धीर और तीनों है कले जो चीर माता की ममता तूने कैसी विसराई है। अब करण बोले हैं मैया कि मानू मैं कैसे कि तू मेरी माँ कि तू मेरी माँ है। वीटे का दिया मुझको वीटे का दिया मुझको दर्जा नहीं है तेरे दूध का मुझ पे दर्जा नहीं तेरे निभाया पैदा करके मैया
फिर भी मैया तूने 9 महीने पेट में रखी कि मैं ऊपर बहुत बड़ो उपकार करो है, ऐसो कर अगर 9 महीना के बदले कछु मांग ले। तो कुंती कहने लगी लाला अगर जब मैया को कछु देनो चाहे तो वो परशुराम वाले 5 बाण है वो मोको दे दे। और जैसे ये बात कही गस खा के कड़ जमीन पर गिर गए, पुनः खड़े हुए परशुराम वाले 5 बाण निकाल के लाए। तो एक बात कही मैया ले जा सुन, अर्जुन मर जाता तब भी तेरे 5 रह जाते, अब मैं मर जाऊंगा तब भी तेरे 5 ही रह जाएंगे। मैया ये बाण ना है जो हमारे प्राण है ले जा। लेकिन मैया जब बात जाए कि अर्जुन से जरूर कह दिए कब अर्जुन ने जीते जी भाई माँ को भिकमंगी बनाए दो। कुंती बाण लेके आई पांडवों को दिए, पांडव बड़े खुश हुए। भैया 17वां सुबह हुआ, सूर ने पूरम में आंखें खोली, एक दूसरे की सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी, घमासान युद्ध शुरू हुआ, दोनों वीर लड़े मैदान, वसुधा थर थर कांप रही है। वसुधा यानी कि पृथ्वी थर थर कांप रही है, वसुधा थर थर कांप रही है, दोनों वीर लड़े मैदान, वसुधा थर थर कांप रही है। इति करण वीर बलिधारी, उति अर्जुन बाणाधारी, जिनकी खाली जाए न निशान, वसुधा थर थर कांप रही है। प्यारे हो कितना घमासान युद्ध हो रहा है, करण अर्जुन के लिए बाण छोड़ते हैं तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे कूद जाता है प्यारे। और जब अर्जुन कर्ण के लिए बाण छोड़ते हैं तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे कूद जाता है प्यारे। घमासान युद्ध चल रहा है, हुआ ऐसा युद्ध होते होते कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धसने लगा। जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धसने लगा तो कर्ण सल्ले से बोले कि रथ आगे बढ़ाइए, लेकिन सल्ले ने पीछे मुड़ के देखा रथ का पहिया जमीन में धस चुका। सल्ले कहने लगे कर्ण रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, रथ का पहिया जमीन में जा चुका है क्या? बोले हाँ। कर्ण रथ से नीचे कूद पड़े और रथ के पहिया को अपने हाथों से निकालने लगे जमीन से। अर्जुन भी खड़े होकर देखने लगे, भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन ये खड़े होने का वक्त नहीं है, ये खड़े होने का वक्त नहीं है, ये वार करने का वक्त है। अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही धनुष पर बाण चलाया तैसे ही एकदम से कर्ण ने आवाज लगा दी, हे माधव निहत्थी पर वार करना ये धर्म के विरुद्ध है। अर्जुन फिर खड़े हो गए। कृष्ण ने कहा मैंने बोला नहीं खड़े होने का वक्त नहीं है। तब तक कर्ण ने फिर आवाज लगा दी, क्या बोला है कर्ण? यो कहे करड़ी बलिधारी, मती मारे अर्जुन भैया, थोड़ी सी मोहलत दे दे मेरे धरन बीत गए या
जैसे ही कर्ण ने कहा अर्जुन फिर खड़े हो गए। भगवान ने फिर कहा अर्जुन मैंने बोला नहीं कि खड़े होने का वक्त नहीं है। अरे यही मौका है। कृष्ण का आदेश पाते ही अर्जुन ने बाणों की बारिश करना शुरू कर दिया। कर्ण घायल हो गए। घायल होकर जब कर्ण जमीन पर आ गए तो भगवान कन्हैया अर्जुन से बोले कि अर्जुन कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है। चलो कर्ण के मरते मरते हम और आप कुछ उससे मांगे चलते इसकी परीक्षा ले। बोले ठीक है। अर्जुन भी अर्जुन को भी भगवान ने ब्राह्मण बनाया खुद भी ब्राह्मण रूप लिया और चले। कर्ण से कहा है बस मैंने सुना है तुम बहुत बड़े दानवीर हो। सोचा कि आपके संसार से जाते जाते कुछ आपके द्वारा मुझे दानी मिल जाए। तो कर्ण कहने लगे बोले कर्ण दानी मोहन से मरते मरते कभी हाथ ना थके हैं मेरे दान कर दे। लेकिन प्रभु यही दान मांगने के लिए आप मेरे महलों में चलकर आते ना मैं आपको ढेर सारा दान देता। लेकिन मैं रड़ में घायल अवस्था में पड़ा हूं तब आप हमसे दान मांगने आए हैं। फिर भी प्रभु महलों में जो तुम आते मोह मांगा दान पाते छोटा मोटा दान देने में प्रभु हम तो शर्म आते। छोटा मोटा दान देने में बड़ी शर्म लगती है। फिर भी मैं सोने का दान दूंगा मुनिराज मरते मरते कभी हाथ ना थके हैं मेरे दान कर। प्रभु वो सामने पत्थर पड़ा है वो पत्थर आप हमें उठाकर दे दो क्योंकि मेरे दांतों के बीच में सोने की कीलें हैं वो निकाल कर हम आपको देंगे। भगवान ठट्टा मार करके ऐसे कहने लगे पत्थर हम तो उठाए के देवे तब तू मोए कछु दान करेगा। अरे फिर वो दान कहाँ है वो तो बदला है। हमने पत्थर दो ताके बदले में तू नी मोए कछु दे दो फिर वो दान कहाँ रहा। मना कर दे भाई चला जाऊंगा किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कर्ण कहने लगे प्रभु जब तक शरीर में श्वास है ना तब तक मना नहीं कर सकता। रुकिए देखिए कर्ण की तारीफ। छाती के बल खिसकते हुए जैसे तैसे गए पत्थर उठाया दांतों के बीच से सोने की कीलें निकाल कर भगवान देने लगे और जैसे ही निकाल करके भगवान को देने लगे लीजिए प्रभु तैसे ही भगवान पीछे हट गए। बोले नहीं चाहिए। बोले मतलब ये मुख से निकला हुआ है ये दूषित है इसे धुल करके दीजिए। अब कर्ण कहने लगे प्रभु रड़ में पानी का रखो है। भगवान बोले तो मना कर दे। बोले मना भी नहीं कर सकता तो रुकिया क्या किया कर्ण ने देखिए तारीफ। छाती के बल खिसकते हुए जैसे तैसे गए धनुष बाण उठाया और धनुष पर बाण रख करके जैसे ही चलाया ना पृथ्वी में मारा बाण तैसे ही पृथ्वी से जल की धारा निकलने लगी। प्यारे तभी तो कहते हैं किसी भी परिस्थिति में हमें आपको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए है ना। कोई भी परिस्थिति आ जाए कभी भी धैर्य मत खोइए। इतने घायल होने के बाद धनुष बाण स्वयं उठाकर पृथ्वी में धनुष पर बाण चलाया पृथ्वी में पृथ्वी से जाला यानी जल की धारा निकलने लगी सोने की कील धुल करके भगवान को देने लगे लीजिए। और जैसे ही कहा लीजिए तैसे ही भगवान कन्हैया वहीं प्रकट हो गए अपने रूप करण धन्य हो तो करण तुम मरोगे नहीं तुम तो दुनिया के दिलों में जीवित रहोगे ये संसार तुम्हारा गुड़ गाएगा गुड़ गाएगा। हमसे कुछ मांग लो। कर्ण कहने लगे प्रभु अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक दे दो क्या इच्छा ये मेरी मोहन उसको निभाना और लगा हो न दाग उस जगह पर लगाना। मेरी इच्छा है आप मुझे बचा दीजिए कि मैं मर जाऊं शरीर छोड़ दूं तो आप मेरे शरीर का अंतिम दाह ऐसी जगह करेंगे जहां पर आज तक किसी का अंतिम दाह हुआ न हो यानी
जैसे मरघट में कोई जलाया जाता है, अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन वहां जाकर उनकी शान बराबर हो जाती है। शमशान में आ जाते हैं वो, है ना, शमशान में जाते हैं, यानी सबकी शान वहां बराबर हो जाती, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। लेकिन करण कहते हैं कि मेरी शान बराबर में ना जाए, सबकी बराबर ना जाए, हट करके इच्छा ये मेरी मोहन मुझको गहना, लगा हो ना दाग उस जगह पर लगाना, जहां पर आज तक किसी की लाश ना जली हो वहां मुझे जलाना। भगवान ने कहा तथा तो ऐसा ही होगा। अब कर्ण को वरदान तो दे दिया, कर्ण ने अपनी अंतिम श्वास ली। अब भगवान विद्वान कहते हैं कि त्रेता में जितना राम जी जटायु के मरने पर रोए, द्वापर में कृष्ण जितना सुदामा के लिए रोए, द्वापर में उतना ही कृष्ण कर्ण के लिए भी रोए।